बेसन के लड्डू आपने बहुत तरीके से बनाए होंगे लेकिन आप एक बार मेरे तरीके से जरूर बना कर देखिएगा आपके ये बेसन के लड्डू एकदम दानेदार मार्केट जैसे घर पर ही तैयार कर सकते हो और वैसे भी फ्रेंड्स मार्केट में न यही लड्डू आपको लगभग 900 से हजार रुपये के जी आपको ये लड्डू मिलेगा घर पर आप इसको 200 रुपए में तैयार कर सकते हो तो घर पर ही बनाइएगा इस दिवाली पर एकदम मुंह में घुल जाने वाला दानेदार ये लड्डू बनकर तैयार होगा देख सकते हो मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ ये देखिए एकदम दानेदार बना है और इसमें मैं एक खास ट्रिक बताऊँगी कि ये जिससे दानेदार लड्डू बने तो फर्स्ट टाइम में ही आपका लड्डू एकदम परफेक्ट बने तो यहाँ हमने ले लिया एक परात आप थाली वगैरह कुछ भी ले सकते हो इसमें हम डाल देंगे दो कप बेसन आप जितना बनाना चाहते हो उतना आपको बेसन ले लेना है तो मैंने यहाँ दो कप लिया है अब हम इसमें डालेंगे जो मैं खास ट्रिक की बात कर रही थी ना वो यही है तो पहले हम इसमें डालेंगे वन टेबल स्पून घी पिघला हुआ घी डालना है और अब हम इसमें डालेंगे दूध तो दूध के हमें इसमें छींटे से मारने हैं ज़्यादा नहीं डालना बस टू टेबल स्पून के आसपास ही हमें इसमें दूध डालना है और फिर इस तरह से हमें इसको अच्छे से मिला लेना है इससे क्या होगा ये आपका बेसन है एकदम दानेदार तैयार हो जाएगा और जो मार्केट में लड्डू मिलते हैं ना सेम ऐसे ही लड्डू आपके ये बनकर तैयार होंगे लेकिन ध्यान रहे फ्रेंड्स आपको एक साथ दूध नहीं डालना है बस हल्के से छींटे से मारने हैं और वन टेबल स्पून आपको इसमें घी डालना है घी भी आपको ज़्यादा नहीं डालना है और बस इस तरह से हमें पूरे बेसन में अच्छे से मिला लेना है आप चाहो तो दोनों हाथों की सहायता से भी इसको मिला सकते हो तो देख सकते हो मैंने इसको मिला लिया है अब हम ले लेंगे एक छलनी और इसमें हम इसको डाल देंगे और इससे फिर हमें इसको छान लेना है छलनी है वो थोड़ी मोटे वाली लीजिएगा बारीक वाली नहीं लेनी है जिससे कि इसमें जो दानेदार बेसन बना है वो इसमें से निकल जाए तो ये देखिए मैंने निकाल लिया है और इसमें कुछ जो थोड़ा बहुत हाथ में चिपक जाता है ना जैसे हमने दूर हाथ में लिया था तो वो बेसन है तो वो मैंने अलग निकाल दिया है तो ये देखिए मैंने ये कढ़ाई में छान लिया अब हमें इसको रख देना है गैस पर और फ्लेम अभी हम स्लो कर देंगे अब मैं इसमें डालूँगी यहाँ घी तो पहले मैं यहाँ इसमें टू टेबल स्पून घी डालूंगी देख सकते हो जमा हुआ घी है ऊपर तक भर के मैंने स्पून ली है अब हमें इसके साथ अच्छे से मिला लेना है तो जैसे जैसे मुझे घी की जरूरत होगी वैसे वैसे मैं इसमें डालते जाऊंगी। तो पहले मैं इसको मिला लूंगी तो ये देखिए मुझे थोड़ा सा ये सूखा लग रहा है तो मैं इसमें टू टेबल स्पून घी और डाल देती हूँ ये देखिए एक साथ डालोगे ना तो फिर ज़्यादा घी हो जाएगा तो इसलिए इसमें रेसों का बहुत ही ध्यान देना है ये देखिए आपको दिखा रही हूँ ऊपर तक भर के है क्योंकि आपका जो मेजरमेंट है ना वो एकदम परफेक्ट हुआ तो आपकी रेसिपी पहली बार में ही एकदम परफेक्ट बनेगी अब हमें इसको अच्छे से मिला लेना है तो पहले ये जो सूखा आटा है ना इसमें अच्छे से मिला लेना है और ज़रूरत होगी तो मैं और डालूंगी तो ये देखिए मुझे और ज़रूरत नहीं हो रही है बस फोर टेबल स्पून मैंने इसमें घी डाल दिया अब हमें इसके साथ भून लेना है मीडियम फ्लेम पर जैसे जैसे ये बुनता जाएगा वैसे वैसे ये थोड़ा सा लिक्विड जैसा होता जाएगा पतला हो जाएगा तो ये देखिए इस तरह से अच्छे से भून लेना है बीच बीच में आपको इसकी फ्लेम है कभी स्लो कर देनी है कभी मीडियम कर देनी है देख सकते हो धीरे धीरे ये एकदम पतला सा होता जा रहा है लेकिन अभी क्या है ना ये बुना नहीं है और देख सकते हो एकदम दानेदार सा आपको दिख रहा होगा फ्लफी सा दिख रहा होगा तो अभी हमें इसको और भुनना है अभी इसमें और कमी है और वैसे भी जैसे ही यह भुनेगा ना फ्रेंड्स तो पूरा घर महकेगा क्योंकि घी और बेसन की खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आएगी तो ये देखिए मैं इसको अभी और भून लेती हूँ ये देख सकते हो कितना पतला हो गया है बस अब ये भुनने वाला है तो मैं इसको थोड़ा सा और चला लेती हूँ और अब हमें इसकी फ्लेम है वो ऑफ कर देनी है क्योंकि अब जो कढ़ाई गर्म है ना इस गर्म कढ़ाई में ही हमें इसको चलाना है तो ये देखिए मैंने नीचे उतार लिया कढ़ाई को लेकिन आपको बंद करके तुरंत चुप नहीं रखना है ये इसको क्या है ना थोड़ी देर चलाते रहना है क्योंकि अगर इसमें आपने चलाया नहीं ना तो घी है वो गर्म होता है और कढ़ाई है वो भी गर्म है क्योंकि घी जल्दी से ठंडा नहीं होता है तो इसमें हीट ज़्यादा रहेगी तो आपका बेसन है वो नीचे से जल जाएगा तो इसलिए एक आध मिनट और इसको चलाते रहना है जब तक कि ये कढ़ाई है हल्की सी इसकी हीट है वो कम ना हो जाए घी है उसकी भी थोड़ी सी हीट कम हो जाएगी और अब हमें इसको ठंडा होने देना है जब तक कि एकदम अच्छे से रूम टेम्परेचर पर नहीं आएगा तब तक आपको इसमें कुछ भी नहीं डालना है देख सकते हो ठंडा हो चुका है लगभग एक से दो घंटे हो चुके हैं इसको और अब हम इसमें डालेंगे यहाँ ड्राई फ्रूट्स तो यहाँ मैंने काजू और बादाम लिया है आपको और भी कोई ड्राई फ्रूट्स पसंद हो तो आप और डाल सकते हो हाफ टी स्पून डाल दिया मैंने इलायची पाउडर इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे तो ये देखिए मैंने इसको मिला लिया है अब हम इसमें डाल देंगे मीठा तो मीठे में मैं यहाँ इसमें डाल रही हूँ रवा हमारे इधर इसको रवा बोला जाता है लेकिन बहुत सी जगह इसको तगार भी बोला जाता है आपके उधर क्या बोला जाता है कमेंट में जरूर बताइएगा तो इसमें हम डाल देंगे वन एंड हाफ़ कप ये रवा ध्यान रहे दो कप हमने बेसन लिया था इसी कप से नाप के लिया था वन एंड हाफ़ कप हमने इसमें ये रवा डाल दिया है अब रवा ना हो तो क्या डालोगे आप इसमें चीनी है उसको पीस कर भी डाल सकते हो या फिर आप बूरा भी डाल सकते हो अच्छे से हमें इसको मिला लेना है और ये देखिए इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी अब हमने इसको अच्छे से मिला लिया है अब हमें इसके लड्डू बना लेने हैं तो मैं तो मैं इसके साइज़ जैसे मार्केट में मिलते हैं ना इतनी बड़ी ले रही हूँ नींबू से थोड़ा सा बड़ा और अगर आपको थोड़े बड़े पसंद हो तो आप इसको थोड़ा बड़ा भी बना सकते हो छोटे पसंद हो तो आप इनको छोटा भी बना सकते हो तो ये देखिए मैं इसी तरह से सारे लड्डू हैं उनको बनाकर तैयार कर, कर लूँगी तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर, कर लिए हैं देख सकते हो देखने में कितने बढ़िया लग रहे हैं खाने में भी बहुत ही टेस्टी हैं तो फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे देख सकते हो मैंने आपको एक तोड़ के भी दिखाया है एकदम मुँह में घुल जाने वाला दानेदार हमारा ये लड्डू बनकर तैयार हुआ है तो फ्रेंड्स इस दिवाली आप भी बनाइएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो और हाँ फ्रेंड्स अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा लाइक में बिल्कुल भी कंजूसी ना कीजिए